अर्थ प्रकाश जगत में तमाम भाइयों बहनों को डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा का नमस्कार। प्यारे भाइयों बहनों, जैसे आप सब देख रहे हो कि हमने आपको महाराष्ट्र का भी दिखा रहे हैं, बाज की तरह निगाह रखी हुई है महाराष्ट्र की राजनीति के ऊपर। लेकिन आज हरियाणा और पंजाब ज्वाइंट सेशन बुलाया हरियाणा पंजाब ने, जिसका मेन है आज हमारा संविधान हमारा गौरव। हमारा संविधान हमारा गौरव कहाँ तक ये सार्थक है, ये बात आज ये भी देखने को मिल रही है कि आज हम इस लोकतंत्र के मंदिर में आज हम खुद जाएंगे और यहाँ के विधायकों से पूछेंगे कि उनकी दृष्टि में लोकतंत्र क्या है। और आज सबसे बड़ी ये विडंबना है कि आज लोकतंत्र हिंदुस्तान का सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा चुका है। और यहाँ ये जो धरती है, ये हरियाणा विधानसभा की, यहाँ पर ताऊ देवीलाल जी किसी जमाने में होते थे और उसके बाद चौटाला साहब, भजन लाल जी, सभी ने लोकतंत्र का एक रिस्पेक्ट और मान मर्यादा बना के रखी। और आज हम देखते हैं कि आज हरियाणा के अंदर ये भी देखने को मिल रहा है कि जो महाराष्ट्र की जो तपिश है वो हरियाणा में भी देखने को मिल रही है, क्योंकि हरियाणा सरकार ने कल तुरंत प्रभाव से अपने चेयरमैन इंडिपेंडेंट जो विधायक थे उनको चेयरमैन बना दिया है। आज हम देखते हैं कि हरियाणा के इस लोकतंत्र के मंदिर में, जो लोकतंत्र का मंदिर है जहाँ पर जनता द्वारा चुने हुए विधायक आते हैं, उनके क्या व्यूज़ है लोकतंत्र के प्रति, आज हम यहीं से अपनी शुरुआत करते हैं। अर्थ प्रकाश देंगे तमाम भाई बहनों को डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा का नमस्कार। प्यारे भाई बहनों, जैसे ये हमारा सौभाग्य है कि हमने चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा जी की भी पूरी जीवनी एक कैमरे के अंदर, मेरा सौभाग्य था कि उनके लिए थी, उन्होंने पूरी बात अपनी बताई थी किस तरह से उन्होंने संविधान सभा के मेंबर बने, किस तरह वो विभिन्न जेलों में रहकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी। आज उनके सुपुत्र चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जो पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार थे और आज नेता प्रतिपक्ष हमारे बीच में मौजूद हैं। हुड्डा साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। हुड्डा साहब, सबसे पहले हमें एक बात बताइए कि जो आज संविधान और मेरा संविधान मेरा गौरव ये सेशन चल रहा है, दूसरी तरफ हिंदुस्तान का लोकतंत्र सर्वोच्च न्यायालय की शरण में है, इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखो, यही तो संविधान की खूबी है। संविधान में इस किस्म के संविधान निर्माताओं ने प्रावधान रखे हैं कि कोई भी अपनी मनमर्जी ना कर सके, चाहे वो पहले तो एक ही था, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी एक थी, उसकी सेपरेशन हुई और ये लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी तीन ही है, अपने आप में वो हैं और एक दूसरे का बैलेंस बनाने में है। एक अगर कोई मनमानी करता है तो जुडिशरी आती है, जुडिशरी कोई मनमानी करती है तो लेजिस्लेचर आता है। एक चेक एंड बैलेंस की जो संविधान में प्रावधान है उसी वजह से हमारा प्रजातंत्र कायम है। तो आपने ये बात वो बात, लेकिन क्या कारण है कि लोकतंत्र डेमोक्रेसी आज सर्वोच्च न्यायालय की शरण में पहुंच चुकी है, इसका मतलब डेमोक्रेसी आपको लगता नहीं कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा हावी हो रही है? देखिए, ऐसा स्थिति होना नहीं चाहिए। वो बोलने लग गया, मैं जाऊँगा भाई। ऐसा है, जैसे क्या बोला ना, क्या कारण थे कि ऐसा है? ये आज परिस्थिति ऐसी होगी, मैं जाना नहीं चाहिए, ऐसे होना चाहिए, लेकिन जब कहीं परिस्थितियाँ होती हैं तो लोग जुडिशरी में जाते हैं। तो एक प्रावधान है और इसी वास्ते हमारा संविधान मजबूत होना चाहिए। तो प्यारे भाई बहनों, ये हमारे बीच में चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जो उप मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार थे और साथ में नेता प्रतिपक्ष हरियाणा विधानसभा हैं, उनके विचार आपने सुने होंगे। डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा और मेरे कैमरामैन राहुल के साथ अर्थ प्रकाश ने तमाम भाई बहनों को डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा का नमस्कार। प्यारे भाई बहनों, जैसे आपको पता है कि आज सेशन हुआ है हरियाणा में मेरा संविधान मेरा गौरव। आज एक तरफ तो संविधान का यहाँ पर सेशन हो रहा है, दूसरी तरफ डेमोक्रेसी, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी लोकतंत्र सर्वोच्च न्यायालय के अंदर अपना इंसाफ मांग रही है। आज हम बात करेंगे उस शख्सियत से जिसने पूरी जिंदगी राजनीति में लगा दी, वो एक राजनीतिक परिवार से है और बंसीलाल जी की पुत्र वधु हैं श्रीमती किरण चौधरी जी। मैडम, आज कैसे महसूस कर रहे हो इस नाजुक घड़ी में हिंदुस्तान की? देखिए, आज 70 साल पूरे हुए संविधान के और हमारे को इंट्रोस्पेक्शन करनी होगी, अंतरात्मा से देखनी होगी, खास तौर से जो लॉ मेकर्स हैं, कि हम अपने देश को किस ओर बढ़ा रहे हैं। आप देख रहे हैं कम्युनल जो है डिसहार्मनी इतनी हो रही है, पोलराइजेशन हो रहा है, वायलेंट जो हैं प्रोटेस्ट हैं, वायलेंट क्राइम्स हो रहे हैं, ये सब हमारी संविधान के अंदर जो रूपरेखाएं, जो अनुच्छेद जो डाले हुए हैं, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रटर्निटी, इक्वालिटी, ये सारे इसके विरुद्ध जाते हैं। जो आज का लोकतंत्र है, जो आज हो रहा है, जैसे महाराष्ट्र में हुआ, कर्नाटका में हुआ, सारी स्टेटों में हो रहा है, कि इसकी क्या, इसको आप किस दृष्टि से देखते हो जो आज मौजूदा लोकतंत्र है, इसके बारे में बताइए। अब तो मौका प्रस वाला सिस्टम आ गया है सारा का सारा, और जो हमारे संविधान निर्माताओं ने जिस नियत से संविधान बनाया था, जो उनकी सोच थी,
वो तो सोच तो कहीं नजर आती नहीं है। आप देख रहे हैं बार बार जो है संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, और जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने बड़े अपना बलिदान देकर, अपने खून का बलिदान देकर इस देश को आज़ाद करवाया ताकि हमारा भविष्य हो सके और ये संविधान हमारे को मिला, आज हमारे को इसके ऊपर सोच विचार करना होगा कि हम किस तरह से ये संविधान को लेटर और स्पिरिट के अंदर इसके ऊपर चलें और अपने देश को आगे लेकर चलें, अच्छे अच्छे रास्ते के ऊपर अपने देश को लेकर चलें। अब आप बात करते हैं विधायक, आप हम बात करते हैं आपकी पार्टी के बारे में, देखिए विधायक की नज़र में डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की क्या परिभाषा, क्या इतनी परिभाषा रह गई है कि एक वो सिर्फ वोटिंग मशीन जैसे रह गए हैं, जब तक वो एमएलए नहीं बनते तब तक लोकतंत्र होता है, लेकिन एमएलए बनने के बाद जब सरकार बनानी पड़ती है तब वहाँ पर राजनीतिक मजबूरियाँ बन जाती हैं। ये क्या राजनीतिक मजबूरियाँ हैं ये लोग भी जानना चाहते हैं, क्यों लोकतंत्र सरकार बनने तक क्यों नहीं पहुँच पाते, क्यों वो एमएलए तक सीमित रह जाता है? कोई राजनीतिक मजबूरी नहीं है, ये केवल सत्ता का सुख भोगने के लिए काम किया जाता है, और ये जनता को देखना है कि जिस आदमी को जिसके विरोध वोट डाल के भेजा है जिस पार्टी को, आने वाले समय में उनको पूरा उसका खामियाजा भुगते। जो गठबंधन की राजनीति होती है उसके बारे में क्या कहो, जैसे हरियाणा में हुआ जजपा से गठबंधन हुआ, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी जो शिवसेना है वो कांग्रेस की तरफ आ रही है, एनसीपी की तरफ, और एनसीपी है जो शिवसेना की तरफ आ रही है, ये जो परिस्थितियाँ हो रही हैं, तो आपको नहीं लगता है कि इससे आने वाले लोगों के ऊपर जो मतदान परिषद है वो कम होगा जैसे पहले होता रहा, कि जिससे लोकतंत्र पर लोगों का विश्वास उठ जाएगा, जो इलेक्शन के बाद के जो गठबंधन है उसको आप किस दृष्टि से देखते हो, कहाँ तक कारगर है? ये बात सही कही आपने, किसी हद तक जो है लोगों का विश्वास जो है प्रजातंत्र से उठता जा रहा है, लेकिन गठबंधन जो है दैट इज अ रियलिटी नाउ। रियलिटी पहले होनी चाहिए, पहले होनी चाहिए इलेक्शन से पहले होनी चाहिए ना। रियलिटी इसलिए है जब लोगों ने अपना मत डाला और कोई किसी को भी बहुमत नहीं मिला तो गठबंधन तो करना पड़ेगा। नहीं, ये गठबंधन डेमोक्रेसी में इलेक्शन से पहले होना चाहिए ना, ताकि लोगों को उसके विचार पता चले, इलेक्शन के बाद वाला तो वो किस हद तक ठीक है, इससे अच्छा ये नहीं होता कि जैसे कि फायदे से तो होना चाहिए, लेकिन आज कल जो हो रहा है वो सबके सामने हो रहा है। तो भाइयों बहनों देखिए, आपने श्रीमती किरण चौधरी जी ने स्पष्ट कह दिया है आज की डेमोक्रेसी में जो गठबंधन हो रहा है बिल्कुल ठीक नहीं हो रहे, और फिर भी मैं डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा अपने कैमरामैन राहुल के साथ। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।